इन सब चीजों की आदत नहीं है मुझे दीदी। मैं कल तक आदत नहीं था पर अब तो डालना पड़ेगा। और ये पहन के क्या सास ससुर के सामने आओगी? पहनोगी पति के सामने, वो भी बंद कमरे में। तेरे भैया और मैं जब हनीमून पर गए थे ना तो हिल स्टेशन पे गए थे, वहाँ सर्दी के मौसम में भी पहना था। बड़ी बहू, हुआ तुम लोगों का? हाँ माँ जी, बस हो गया। ले ये भी ले, यहाँ रख दिया है, ठीक है? अच्छे से रहना। अरे बाप रे, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, जब देखो तो बीबी का आंचल पकड़ के घूम रहे हो। ताना मारना बंद करिए भाभी, मैं बस शर्ट देने आया था, मेरा यकीन करिए। देना अब। हाँ। जरा बाहर जाइए। पर क्यों? औरतों वाली बात है, बाहर वालों को अलाउड नहीं है। अरे बोलिए ना भाभी। चलो थोड़ी देर बाद हनीमून पे जाओगे, तब तो सताने नहीं आएंगे। सुन, हनीमून पे जाके ज्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, कमरे में ही रहना, एक दूसरे को अच्छे तरह से समझ लेना, गपशप करना बहुत। अरे मुझसे ना ये तुम ज्यादा देर तक नहीं चलेगा, तू ही बोलूंगी, ठीक है? ये लो पकड़ो। अरे सब ले लिया ना, शैम्पू क्रीम सब कुछ पैक कर लिया ना? ये साड़ी भी लेनी है नंदिनी। सिर्फ साड़ी ही पैक किया और कुछ नहीं लेगी? ये क्या है, खुल के देखना। तू बच्चों को लेकर कितना काम करती है, सच में बहुत अच्छा है स्मिता, बहुत अच्छा। पता है काफी सारे प्रेस आए थे इनॉग्रेशन। अच्छा? में मैं तेरी दोस्त सुना, इसलिए बहुत गर्व होता है। मुझ पर गर्व हो रहा है? हा? और तेरा क्या होगा, शादी से पहले तू हमारे साथ कितने सारे काम करती थी वॉलंटियर बनके। छोड़ ना पुरानी बातें, तब से सोच रही थी क्या भूल गई मैं, शायद पानी का पंप बंद करना भूल गई मैं। माँ जी को फोन करके बता देती हूँ। सुनो संपूर्णा, दत्त फोन भी नहीं लग रहा है। संपूर्णा, क्या एक नया प्रोजेक्ट आ रहा है, काम करेगी हमारे साथ? तू पागल हो गई है, एक दिन का पूरा दिन मेरे साथ रहकर देखो, तब पता चलेगा घर पे कितना काम है। घर का काम संभाल कर ये सब कब करूंगी बता? फिर से घर, पंप, पानी, सासू माँ। एक और सिग्नल, पता नहीं कब घर पहुँचेंगे। दत्त, अदिति अदिति खाना दे। एक पैसा मत देना। छोड़ ना। दीदी सोन, कुछ खाना है दो ना। अरे ये एक रैकेट है, ये लोग एक भी पैसा खुद यूज नहीं कर पाते, तुझे कुछ नहीं पता। चुप, क्या करूँ बोल, एक छोटी सी बच्ची दुखी होकर खड़ी है। तुझे कुछ नहीं पता है ना इन लोगों के लाइफस्टाइल के बारे में, हर रात ये बच्चे अब्यूज होते हैं सिर्फ पैसों के लिए, और देना इन्हें पैसे। चुप कर प्लीज, प्लीज चुप कर। हाँ चुप्पी सही है। अच्छा नहीं लगता ये सब मुझे। पिक्चर देखने चले? अच्छा नंदिनी को भी बुला लो जरा, नई नई आई है, थोड़ी कंफर्टेबल हो जाएगी। हाँ वो तो हनीमून पे गई है, लौटने दे, बताती हूँ। कमरे में जाओ और सो जाओ। अरे अब नींद थोड़े ना आने वाली है। बाबूजी मिल गई है वो, रात बहुत हो चुकी है, जाइए सो जाइए। नहीं नहीं, इस लड़की ने तो मेरा चैन छीन लिया है। बाप रे, हनीमून पर जाकर कोई ऐसा करता है क्या बहू? ये बात तो मैंने कभी भी नहीं सुनी, तुमने सुनी है? अरे भाई उन्हें लौटने दो ना, फिर सब जानकारी मिल जाएगी। हाँ, शुक्र है तुम लोगों ने बिप्लब दा को कॉल नहीं किया, नहीं तो अब तक रिश्तेदारों की कॉल से हम परेशान हो जाते। मुझे नींद आ रही है, कल ऑफिस जाना है। हाँ, जाओ जाओ, तुम जाकर सो जाओ, आप भी सो जाइए। मुझे ना बहू, पहले दिन से ही इस लड़की का हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहा था। नई नवेली दुल्हन है, हसमुख रहेगी, अच्छे से रहेगी, और देखो कैसे उदास रहती है। पता नहीं, तुम जरा पता करने की कोशिश तो करो बहू। क्या मतलब, शादी से पहले किसी दोस्त के साथ कोई रिलेशन वगैरह? मुझे क्या लगता है पता है क्या माँ जी, रिश्ता नया है ना, शायद रुकू के साथ थोड़ी अनबन हुई है। आप चिंता मत कीजिए, जाइए सो जाइए। हाँ जाती क्या हुआ? कुछ नहीं, ज्यादा देर तक कार में रहने से उल्टी आती है। बाहर की हवा अंदर आएगी, अच्छा लगेगा। अरे वो क्या है, दवाई है क्या?
मुझे क्या पता, छोटे भैया के कमरे में पड़ा था। रुकू के कमरे में? सुनो, हम जरा समीर के यहाँ होके आते हैं। ए जी, देखिए तो जरा, ये किस चीज की दवाई है? पता नहीं क्या है ये, किसकी दवाई? रुकू के कमरे में मिली है। माँ जी, छोटे भैया और नई भाभी लौट आए हैं। अरे रुकू, क्या हुआ अब? ये सब क्या है छोटी बहू? अब जाओ, जाओ अंदर जाओ, हम जरा समीर के यहाँ से होके आते हैं। मीनाती, दरवाजा बंद कर देना। नहाना है ना, चलो अंदर चलो। रुको, तू रुक, बात करनी है। हम अभी लौटे हैं ना, तो थोड़ा वो फ्रेश। सब बाद में, जरूरी बात करनी है। बैग दे मुझे, मैं रखती हूँ।